इंदौर के विजयनगर पुलिस ने मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हॉस्टल और कॉलेज के पास खड़े लोगों से रेकी कर मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। पकड़े गए लोगों से एक दर्जन मोबाइल फोन बरामद किए गए। दरअसल विजयनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सुनसान इलाकों में मोबाइल पर बात करने वाले या फिर हॉस्टल और सड़क पर मोबाइल से बात करते हुए चलते थे, फिर बाइक के पीछे आकर मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। ऐसे गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सभी सदस्य नाबालिग है और मोबाइल छीनकर लूट की घटनाओं को अंजाम देने के बाद उन्हें सस्ते दामों पर बेच देते थे। इंदौर से राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मोबाइल गेम को जो है पकड़ा है, किस तरह से वारदात को अंजाम देते थे, क्या है? ये अभी कुछ समय पहले हमने एक गैंग पकड़ी थी जो गांजा बेचती थी और मोबाइल भी लूटती थी। उनमें से कुछ दो लड़के की जमानत हुई थी। उन लड़कों को देखकर उनकी शिकायत के आधार पर कुछ 3 लड़के पकड़ा हैं अभी जो नाबालिग हैं। उनने बताया कि उनको देखकर उनके द्वारा बताए गए तरीके से ये वारदात कर रहे थे, तो इसी के आधार पर हमने उनको 3 को पकड़ा है। उसमें एक घटना हुई थी, मोबाइल छोड़ के जा रहे थे, जैसे ही सूचना मिली हमने दूसरी तरफ पार्टी लगाई थी तो उनको गिरफ्तार किया था। अब जैसे ही उनको गिरफ्तार किया, पूछताछ की, तो 3 नाबालिग अरेस्ट किए और उनको जो मदद करने वाले थे 2 लोग उनको भी पकड़ा है। इस प्रकार कुल करके 6 लोग पकड़ा है और लगभग 1 दर्जन के लगभग मोबाइल जब्त हुए हैं, जिसके संबंध में उनके फरियादियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। 2 फरियादी तो हमको मिल चुके हैं जिनके आधार पर हमने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई करी। ये जहाँ पर ऐसे स्थान देखते थे कि जहाँ स्कूल कॉलेज या हॉस्टल्स हैं, यहाँ जहाँ अकेले कोई काम के लिए बस स्टॉप पे उतर कर आता जाता है, तो उस पे जगह पीछा करते थे, पहले रेकी करते थे, फिर मोबाइल उससे वो बात करता है या ऐसे जाता है तो पीछे से मोटरसाइकिल से जाकर मोबाइल हाथ में से लेकर एकदम भाग जाते और पकड़ नहीं पाते थे। सर इतने के पीछे हैं, जानकारी अभी कहाँ? हाँ, इनके संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है अभी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।